आपके बीच में मैं आज एक प्रतिजैविक के बारे में बात करूंगा, जो कि इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है? तो साथियों, आप क्या करते हो, जब अपने शरीर में आप किसी वैक्सीन का ट्रांसफ्यूज़न कराते हो, यानी किसी वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हो, या कोई आप कैप्सूल खाते हो एंटीबायोटिक, यानी जो दवा वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये जो प्रतिजैविक होते हैं ना, ये बहुत सारे ये सूक्ष्म जीवों से, यानी माइक्रोब से ये बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से सुनोगे। और आप भी तैयार हो जाओ जल्द ही केमिस्ट्री के क्लास के लिए, क्योंकि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि अगले महीने में, या आपका मार्च, लास्ट मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हाई स्कूल इंटर की क्या होता है, वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप मेहनत करना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप थक कर न मत बैठो कि उड़ान अभी बाकी है, थक कर न बैठो कि उड़ान अभी बाकी है, खत्म हो गई जमी तो आसमान अभी बाकी है। तो आज मैं आपको इसलिए कहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आपके लाइफ को मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो लाइफ को आप बढ़ाइए। तो चलो कम टू द पॉइंट, आज हम बात करते हैं प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक होता है एंटी, ठीक है, एक होता है एंटी, एक होता है बायो, ठीक है, बायो। आप सुनिए, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और बायो का मतलब होता है जीवन। क्या होता है, जीवन, यानी एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और इसका मतलब, बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, यानी जीवन के खिलाफ, ठीक है, जो जीवन के खिलाफ होता है, अगर दोनों को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा जीवन के खिलाफ, ठीक है, जीवन के खिलाफ, जो जीवन के खिलाफ होता है वही क्या है, एंटीबायोटिक है, यानी जीवन खिलाफ या जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ, जो जीवन के हमारे लाइफ को बचाने के लिए हाजिर होता है, तत्पर होता है, उसी को हम जीवन के खिलाफ कहते हैं। तो आप इस चैप्टर में सीख पाओगे कि जीवन का खिलाफ क्या होता है, इसके बारे में आप सीख पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीवन के खिलाफ, फिर से एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और बायो का मतलब होता है जीवन, तो जीवन के खिलाफ। तो इसका अर्थ है क्या भैया, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक यानी जैविक मतलब क्या है, जीवों के खिलाफ, जीवों के प्रति जो रक्षा होती है उसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे कि प्रतिजैविक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन ये एक प्रकार का एंटी, सबसे पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेनिसिलिन है सबसे पहला एंटीबायोटिक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या है, एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन, ठीक है, जिसकी खोज एक प्रकार की हादसा थी, मतलब कोई जो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका नाम था एलेक्जेंडर, ध्यान दीजिएगा, उनका क्या नाम था, एलेक्जेंडर, उनका नाम था एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान दीजिएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
ठीक है, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या होता है हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम किसी ना कोई CBSE बोर्ड की प्रॉब्लम होगी, ना ICSE बोर्ड की प्रॉब्लम होगी, ना यूपी बोर्ड को भी प्रॉब्लम होगी, सब लोग आप मिनिमाइज से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, आप बेहिचक रहिए, ठीक है। तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। अगर आपसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, तो नोन एज पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवर्ड बाई पेनिसिलिन, जिस नाम उसका नाम क्या है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, अभी इसकी कहानी आप सुनोगे तो बड़ी मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन को खोजा, तो पेनिसिलिन कहाँ से खोजी गई, कैसे खोजी गई, तो अभी आपको बहुत मजा आने वाला है जो है कि क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, आपने नाम सुना होगा स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है एक प्रकार का, बैक्टीरिया, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, जब वो स्टैफिलोकोकस पे बैक्टीरिया पे उन्होंने काम कर दिया, और ये बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टैफिलोकोकस बोलते हैं, या कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये एक निमोनिया का बैक्टीरिया था, निमोनिया का बैक्टीरिया था ये, ये बैक्टीरिया निमोनिया को कॉस्ट करता है, निमोनिया की बीमारी। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वाले चैप्टर में, क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो निमोनिया होता है वो किससे फैलता है, तो स्टैफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से कॉस्ट करता है, फैलता है, जिससे ह्यूमन बॉडी को क्या होता है, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा घातक बीमारी के शिकार बना देता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिजैविक यानी सबसे पहला एंटीबायोटिक, सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था, पेनिसिलिन था, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पहला पेनिसिलिन ये था एंटीबायोटिक। तो इस पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड, ये खोज एक प्रकार की हादसा थी, मतलब कि जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे काम कर रहे थे स्टैफिलोकोकस को, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि मुझे ये पेनिसिलियम मिल जाएगा, पेनिसिलिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई मतलब कि ये अपने दिमाग में सोचे नहीं थे कि हमको स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया से हमको पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक मिल जाएगा, ये अपने दिमाग में कोई विचार, कोई भी विमर्श नहीं किए थे, कोई सोचे भी नहीं थे, एकदम प्रकार से एकदम जुटे हुए थे कि चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये इसके बॉडी को जो ग्रो करते हैं ना, ये ग्रो करा रहे थे, एक मोल्ड था उसी पे ग्रो कर, वही मोल्ड है स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, एक प्रकार के मोल्ड था, इसको ग्रो करा रहे थे। तो क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इतना आप नोट कर लीजिए गाइस, फटाफट नोट करो, तो इसको आप नोट, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आगे, तो जब स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर, जैसे मान लीजिए यहां पे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया है, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने एक प्लेट लिया, बहुत सारे प्लेट लिया था, एक प्लेट हो गया, दो प्लेट हो गया, तीन प्लेट हो गया, चार प्लेट हो गया, पांच प्लेट हो गया, उन्होंने एक क्या किया था, एक प्लेट लिया, और वो प्लेट एक कांच का था। जब उन्होंने क्या किया, इन सब प्लेट को प्लेट पर उन्होंने क्या किया, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने सभी प्लेट पर स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, इतनी बात आप ध्यान सुनिएगा, बड़ी अच्छी हेडिंग है आपकी, ये
बहुत ही अच्छा क्लास है आपका, आपको बहुत बेहतर तरीके समझ में आएगा। तो जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक प्लेट धूली नहीं थी। ठीक है, एक प्लेट क्या थी? धूली प्लेट पर मोल्ड, ध्यान दीजिएगा, धूली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए। जैसे क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा सब प्लेट ले लिया, ठीक है, अब जब स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया को जो ग्रो कराया उन्होंने, बहुत अच्छे समझे, बारीक समझ लीजिएगा, जब उन्होंने ग्रो कराया, ठीक है, तो एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें से एक प्लेट बिना धूली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए। उन्होंने सारे प्लेट को धो दिया लेकिन एक प्लेट को धोना भूल गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? सब प्लेट को धो दिया लेकिन एक प्लेट धोना भूल गए। उन्होंने जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम किया तो उन्होंने सारे प्लेट को, आप सुनिए, आप समझिए अच्छे से, सारे प्लेट को उन्होंने धो डाला। जब इन्होंने सारे प्लेट को वॉश कर दिया, धो दिया, उनमें से एक क्या थी? बिना धुली हुई प्लेट थी। मतलब कि वो उसको धोना भूल गए थे, यानी उसको वॉश करना भूल गए थे, वो प्लेट ये थी। तो अब वो, ध्यान दीजिएगा, जब वो बिना धुली हुई प्लेट पर ये बहुत सारे प्लेट लिए थे, जब उन्होंने स्टेपिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, तीसरी बार 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 करने से उन्होंने क्या किया, एक बार इस प्लेट को भूल गए, इस प्लेट को भूल गए, उसको धूले नहीं, बाकी इन सब को धूल दिया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा, इस पे बैक्टीरिया ग्रो किया, इस पे बैक्टीरिया ग्रो किया, बट इस पे ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पे एक प्रकार का मोल्ड पाया गया, ठीक है, एक प्रकार का क्या पाया गया भैया? मोल्ड पाया गया। उस मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलिन था। क्या नाम था? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड पर पेनिसिलिन ग्रो कर गया, यानी विकास कर गया, और इन पर बैक्टीरिया उगा, बैक्टीरिया को ग्रो कराया, लेकिन इस पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि इन्होंने इस प्लेट को धुला नहीं था। तो जब इस प्लेट को धुला नहीं था तो बताओ बैक्टीरिया ग्रो कर पा? अब इस पे जब पहले, जरा आप सुनो कि पहले इस मोल्ड पेनिसिलिन ऑलरेडी पहले आ गया इसके ऊपर, बिना धुली हुई प्लेट लिया था, इसको धुल दिया था, बट इसको नहीं धुला। जब इसको नहीं धुला था तो इस पे क्या हुआ? उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा, मतलब उन्होंने स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका, मतलब इस पर वृद्धि किया लेकिन इस पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। इस पे ग्रो किया, बट इस पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं ग्रो पाया, ग्रो हो पाया क्योंकि यहां पे पेनिसिलिन नामक मोल्ड प्रेजेंट हो गया। तब वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा क्या बात है कि इस पे सब ग्रो किया बट इस पे ग्रो नहीं किया। तब उन्होंने बाद में फिर उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार का पेनिसिलिन पाया गया, एक प्रकार का पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन पाया गया। और ये पेनिसिलिन कहाँ से उत्पन्न हुआ, जरा ध्यान समझिएगा आप। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक क्या है? मोल्ड है। क्या है भैया? मोल्ड है। क्या है? मोल्ड है। तो उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलिन यहाँ ग्रो हो गया, मतलब पेनिसिलिन जब यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया का उस पर ग्रो हो पाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देगा ना, तो इसलिए इस पे ग्रो नहीं कर पाया। तो अगर किसी
किसी ने आपसे पूछा कि पेनिसिलिन सबसे पहले कहाँ से निकाला गया, तो आप कहेंगे पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया। पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया, तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या था? एक प्रकार का मोल्ड था, एक प्रकार का मोल्ड है, वहाँ से पेनिसिलियम नोटेटम नामक निकाला गया। वो एक वृक्ष है, उसके अंदर से एक मतलब प्रकार सा जिसे बोलते क्या, एक एल्गी है, उसे मोल्ड है, उसके अंदर से निकाला गया, जिसका मतलब कि नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो यहीं से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, और यही पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ इंडिया, यानी ऑफ इंडिया, यानी सबसे पहले पेनिसिलिन की डिस्कवरी पेनिसिलियम नोटेटम ने, नोटेटम मोल्ड से हुआ था। किसने किया था, किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, किस पे किया था, पेनिसिलियम नोटेटम ब्रिज से निकाल दिया था, और उन्होंने ये धूली, बिना धूली वाली जो प्लेट लिया था, इसी पर ग्रो कर गया, क्योंकि उस पर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्या है, पेनिसिलियम पाया गया एंटीबायोटिक, इसलिए इसमें ग्रो नहीं हो पाया। तो ध्यान दीजिएगा, और ये जो पेनिसिलिन है ना, इतना खतरनाक होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना प्रभावशाली एंटीबायोटिक है कि मैं क्या बताऊं, मतलब कि प्रभावशाली शक्तिशाली, किसी भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यानी कोई भी पेनिसिलिन, कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है, क्योंकि ये खुद ही एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली प्रभाव माना गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक कहें कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसा हो सकता है भाई, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई भाई। जैसे आपने खाना पीना बनाया, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्वाद तो बढ़िया है, और जो नहीं खाए हैं तो कहेंगे क्या कि स्वाद बहुत बढ़िया है, नहीं कहेंगे, तो जब वो खाएंगे तो भी कहेंगे। उसी प्रकार क्या है, बाद में जब इनका जो खोज हुआ था, किसका, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, तो बाद में इन चीज़ों को पुष्टि नहीं कर पाया। तो बाद में पुष्टि करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अर्नेस्ट चैन, और एक का नाम था हावर्ड फ्लोरे, ठीक, क्या नाम था, हावर्ड फ्लोरे। इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो डिस्कवरी है वो मस्ट बी राइट है, ठीक है। तो इन्होंने अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे ने उस पर काम किया और बता दिया कि हाँ, ये जो डिस्कवरी है इस गुड, इस बेटर, ये सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम में अच्छे वीआईपी क्वेश्चंस हैं। तो आगे की क्लास में आप तैयार रहिए, एक मैं केमिस्ट्री हाई स्कूल वाले और ट्वेल्थ वाले, मैं हाई स्कूल का वीडियो मैं अपलोड करूंगा केमिस्ट्री का, फिर मैं ट्वेल्थ वाला नंबर लगाऊंगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन में मैं केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा हाई स्कूल वालों का, क्योंकि आपको अब ट्वेल्थ वाले सोच रहे हैं कि मेरा केमिस्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको पहले हाई स्कूल वाला पढ़िए। जब आप हाई स्कूल की मेरी क्लास आप केमिस्ट्री कर लोगे, तो आपको ट्वेल्थ वाले आपका फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड केमिस्ट्री आपको बहुत ही मज़ा देगा, क्योंकि वही आपकी क्या है, लेवल है। उसको आप नहीं पढ़ोगे तो लेवल जब आप अपना नहीं बना पाओगे तो आपको समय में नहीं आएगा। शायद अगर आप उसको पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में सारे क्लास ख़त्म हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो आप पढ़ लोगे तो आपका जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो आपकी मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ना। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस। तो जय हिंद।